धन्यवाद है, आपने झेला और जब झेला है तो एक झमेला और। कौन सा गुरु? धन्यवाद है, ये आप लोगों का इंतजार ही था जो हमें हॉस्पिटल से बचा लाया। आपकी ओर से ये पुष्पहार और पुरस्कार, हमारी ओर से हार्दिक नमस्कार। अब धुन तो बताने वाली नहीं, धुन हारमोनियम बता देगी। ये है बाजी के ना बाजी। हनुमान जी लौट कर आए जानकी की सुधि लेकर, थोड़ी भगवान राघवेंद्र सरकार से मिले, सब सारा हाल बताया। भगवान ने पूछा कि हनुमान जी मैंने तो सीता का पता लगाने को कहा था, आपने लंका क्यों जला दी? कहा लंका हमने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? कहा लंका तो 54 लोगों ने मिलकर जलाई। लंका 54 लोगों ने मिलकर जलाई। कहा 54 लोग कौन कौन? कहा एक रावण का पाप, ठीक, दूसरा आपका प्रताप, कहा फिर ठीक, कहा तीसरा सीता जी का विलाप, ठीक, चौथा त्रिजटा का वार्तालाप, ठीक, पांचवा ऋषियों मुनियों का श्राप, ठीक, और कहा 49 मेरे बाप। 49 5 54, कहा ये गलत है, सही बताओ। कहा प्रभु मेरी पूंछ में आग लगा दी गई, अब मेरी पूंछ में जलन हो रही थी, बुझाने का कोई उपाय नहीं था, तो मैं पटक रहा था अपनी पूंछ। आप गौर कीजिए, किसी के किसी अंग में अगर आग लग जाए, जलन होने लगे, कोई साधन ना हो तो पटकेगा जमीन में इधर उधर। कहा प्रभु पूंछ की जलन से और निशा चरण के शोर से निशाचरण के शोर से हिया हुआ पूछ आपन पटकन जोर जोर पटकन जोर जोर से जोर जोर से। कहा कि पूछ में आग कैसे लग गई? कैसे? घी तेल कपड़ा सब लेके गए थे। कहा प्रभु अरे उन्हीं के घी तेल अरे बुढ़ाओ दाढ़ी सफेद हो जाने से कहीं कोई आदमी बुढ़ा होता है। अरे उन्हीं के भी तेल और कपड़ा उन्हीं के आगी।
कहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला आग लागी के ना लागी बहुत ही महान खुशी का विषय है कि 12 साल की बिटिया को गूगल के द्वारा भारतवर्ष में रजत पदक प्राप्त हुआ है। क्या बात है, तो उसके लिए कहना इतना ही। Thank you.